पेरी प्लानिटा अमेरिकाना जो कॉमनली एक फैमिलर एग्जाम्पल है पूरे इंसेक्ट की फैमिली से जो बिलोंग करता है बाय द क्लास आर्थ्रोपोडा से और यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे प्रेजेंट जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट उनकी बॉडी रेंज की अगर बात करी जाए वो डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट्स के अंदर जो मार्क करती है एज दी हेड रीजन सेकेंड पार्ट जो होगा यहाँ पे वो है थॉरक्स का थर्ड पार्ट यहाँ पर कहलाएगा एबडोमन का और ये तीनों पार्ट जो होते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सब पार्ट्स को लेते हुए इस तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ की हमने बात करी थी पहले की वीडियोस के अंदर यहाँ पे हमने देखा तो इनकी बॉडी जो होती है वो बनी हुई होती है एग्जोस्केलेटन से और ये एग्जोस्केलेटन जो है होता है यहाँ पे फॉर्म्ड होता है काइटिन से और ये काइटिन जो है एक लॉन्ग चेन हम जानते हैं पॉलीमर की होती है जिसे हम बोलते हैं एनासीटाइल ग्लूका से बनी हुई होती है जो एक गुड डेरीवेटिव है ग्लूकोज का अब अगर बात करी गई है एक्जोस्केलेटन रीजन्स की और एंडोस्केलेटन रीजन्स की तो हम बोलेंगे इनके अंदर डिफरेंट पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेदर इट्स हेड एंड एंडल रीजन जैसे कि यहाँ पे बात करी गई है और इन तीनों पार्ट्स के अंदर हम बोल सकते हैं ये तीनों जोन्स और दोनों जोन्स हम की बात करें एंडोस्केलेटन एंड द एक्केलेटन वो प्रेजेंट होते हैं जो प्रॉपरली फंक्शंस प्रोवाइड कराते हैं तो हम बोलेंगे हेड रीजन में भी थॉरेसिज रीजन एंड आबडोमल रीजन्स तीनों में ये पार्ट प्रेजेंट होता है तो हम बोलेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन फोर्थ जो बता रहा है इन ऑल रीजन्स वो एक करेक्ट आंसर होगा जस्ट बिकॉज हेड की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो हमने हमारी पहले की वीडियोज में बात करी थी यहाँ पे कंपाउंड आइज और एंटीना जो होता है कॉकरोच का वो प्रेजेंट होता है बात करी जाए थॉरेक्स की यहाँ पे तो ये मार्क करता है द डाइजेस्टिव यूनिट का पार्ट डाइजेस्टिव यूनिट के अलावा हम बोल सकते हैं एलिमेंट्री नाव रीजन जो है है पे कुछ डाइजेस्टिव यूनिट के पार्ट को करता है और हम बोल सकते हैं के अंदर भी करता है और लेकर नीट आई आई टी जी मीन और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड कर व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर